खबर अब मेटकन का टांडा से, जहां शासन की मंशा के अनुरूप टांडा ब्लॉक मुख्यालय पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में टांडा विधायक संजू देवी के प्रतिनिधि श्याम बाबू एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद प्रतिनिधि रामसूरत मौर्य उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि रामसूरत मौर्य ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की एक कड़ी है। मुख्य अतिथि श्याम बाबू गुप्ता ने कहा, सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम कर रही है। समारोह में भाजपा मंडल अध्यक्ष दान बहादुर यादव, भाजपा नेता राजेश सिंह सहित खंड विकास अधिकारी शशांक सिंह सहित ब्लॉक के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रों के बीच नौ जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि सहित विशिष्ट अतिथि तथा उपस्थित भाजपा नेताओं ने वीडियो के साथ नव दंपतियों के जीवन उपयोगी आवश्यक सामग्री प्रदान करते हुए उपहार भेंट कर नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। अम्बेडकर घटना से कृष्णा पाठक की रिपोर्ट। प्रारंभ किया गया है, इसके पीछे का महत्व केवल यह है कि सरकार चाहती है, मोदी जी चाहते हैं कि ऐसे लोग जो तीन परिस्थितियों के कारण कुछ कठिनाई के विषय के नाते हम प्रासंगिक स्थिति में विवाह के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार के अड़चन बाधाओं पर हेतु थी, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको नए जीवन की शुरुआत करने के लिए सरकार आगे आकर के काम करेगी। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। निश्चित तौर पर यह जो सरकार की मंशा है, सरकार की सोच है कि हम ऐसे जीवन को सुखमय बनाने का काम करेंगे, ऐसे जीवन को नई दिशा की तरफ प्रसारित करने का काम करेंगे। यह सोच करके उत्तर प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया है और यहां पर मुद्दे जुड़े हैं। मैं अपने मुख्य अतिथि की तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आप सबके मंगल में जीवन की कामना करता हूं और उसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं। ये सरकार की मंशा जो है वो तो आप समझ चुके हैं। सरकार चाहती है कि आप सारे लोगों का जीवन सुबह हो, उसको ध्यान में रखते हुए आपको जीवन उपयोगी जरूरी आवश्यक चीजें हैं और सरकार मुहैया कराने का काम कर रही है, करेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, खासतौर से अपनी जो पहले आज मैं जीवन के धागे में बन रही हूं, उनको कहना चाहता हूं कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से प्रेरणा लेने का काम करें, माता कौशल्या से प्रेरणा लेने का काम करें, माता सीता से प्रेरणा लेने का काम करें। आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण माता है जो वर्तमान जीवन में सबसे विश्वती रूप दिखाई पड़ता है, वह जीवन है सास और बहू का। सास और बहू का जो जीवन होता है वो आज के वर्तमान परिवेश में काफी गंभीर विषय है। अगर आपने सास को देश रूपी सांस समझने का काम किया, जैसे सांस के बिना ये शरीर बेकार है, वैसे सांस के बिना ससुराल बेकार है, ये सोच करके अगर आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया तो निश्चित तौर पर आपका जीवन सार्थक होगा। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की उस पंक्ति को आपको ध्यान में नहीं आना चाहता हूं कि जब राम जी वनवास जा रहे थे 14 वर्ष का, माता जानकी ने कहा कि मैं आपके बिना और धन जो मेरे लिए आए था आपका साथ ही होगा, मैं आपके साथ चलूंगी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि सबसे ज्यादा आवश्यकता तुम्हारी एक धर्म है, पिताजी को और माता जी इस प्रकार से कामना के साथ पर और मधु को अतिथि महोदय के द्वारा आशीर्वाद दे दिया गया कि जब तक पर और कन्या हमेशा के लिए चिरंजीव रहा, इस प्रकार की मनोकामना के साथ आशीर्वाद हो। नहीं संतति पिया पियाई चिरंजी बात जी हमारी भोले अन्न कंद भगवान।